सो गाइज वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। और उम्मीद करता हूँ तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मैंने पहले ही कहा था कि जो है इसकी जो डेट्स होंगी एग्जामिनेशन की, DFCCIL के बारे में बात हो रही है स्क्रीन पर और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो डेट्स हैं वो आगे बढ़ा दी गई हैं, एक्सटेंशन हो गया है डेट्स का, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2021 और इसका जो है लास्ट डेट हो गया है अप्लाई करने का। इसमें कौन कौन सी पोस्ट थी, जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव इन सिविल इलेक्ट्रिकल सिग्नल टेली कम्युनिकेशन ऑपरेशंस एंड बीडी एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट, राइट। तो इसके अंदर जो है आपका डेट्स एक्सटेंड हो गई हैं, अप्लाई करने की डेट भी एक्सटेंड हो गई है। तो अगर अप्लाई करने की डेट एक्सटेंड होगी तो ऑब्वियसली आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी जो है पोस्टपोन होगी। तो एग्जामिनेशन जो है टेंटेटिव डेट्स दे दिया इन्होंने, सितंबर अक्टूबर दे दिया है, सितंबर अक्टूबर 2021। ठीक है, तो कितना महीना अभी से आप लेकर चलें, सीधा सीधा 2 महीना तो इन्होंने डेट्स में दे दिया रिलैक्सेशन। अप्लाई करने की डेट में 2 मंथ्स का जो है रिलैक्सेशन दे दिया है अप्रॉक्स, यानी कि जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, 23 जुलाई तक, और एग्जाम उसके 2 मंथ बाद यानी सितंबर अक्टूबर में। यानी कि कहीं ना कहीं टोटल अगर मैं आपको रिलैक्सेशन की बात करूं या एक्सटेंशन की बात करूं तो टोटल आपको 4 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है एग्जाम के लिए। ठीक है, यानी कि 4 मंथ आपको जम के तैयारी करनी है और बिल्कुल टाइम चाहिए भी इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इतना इजी नहीं है, हलवा नहीं है कि 2 मिनट के अंदर जो है या 1 मंथ के अंदर आप लोग जो है इसकी तैयारी कर लेंगे। तो इट्स नॉट अ हलवा काइंड ऑफ टास्क, राइट। तो ये जो 4 महीने मिलेंगे इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से यूटिलाइज आप लोगों को करना है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी कि अब जो नए लोग सोचेंगे यार कि मैं 23 मई को मैं ग्रेजुएट हो नहीं रहा था तो मैं 23 जून को अब ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा, नहीं हो सकता ऐसा बिल्कुल भी। सारी जो बाकी अदर जो शर्तें हैं एग्जाम की वो सेम रहेंगी। ठीक है, जो 23 मई लास्ट डेट था अप्लाई करने का उसी पैटर्न पे रहेगा। ठीक है, यानी कि जो उसमें मांगा है वही मांगा, यानी कि 23/5/2021 को जो ग्रेजुएट नहीं हुए हैं या अभी अपियरिंग है वो लोग बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए। तो क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है इसके लिए, बाकी शर्तें सेम रहेंगी। ठीक है, और क्या है फिर बताने के लिए, और ये है इसमें चीज ये आती है कि भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। देखिए अब ये जो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जैसे जनरल नॉलेज, ठीक है कर लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग कर लेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, हिस्ट्री ऑफ DFCCIL, ये मैं एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD की बात कर रहा हूँ, और ये इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशंस। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हैं ना, ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं ना, ये टॉपिक्स ही मेन तैयारी आपको करनी है। यहाँ पर जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है मेन, बाकी चीज़ें तो पढ़ लेंगे लेकिन ये चीज़ जो है ये मेनली आपको स्टडी करनी है। तो ये सिलेबस बहुत ही कहीं ना कहीं एक ईजी काइंड ऑफ टास्क नहीं है, तो इसके लिए बिल्कुल आपको टाइम देना ही पड़ेगा और वो टाइम आपको मिल गया है। अगर अभी तक आप लोग सोच रहे थे कि आप तैयारी करेंगे आप तैयारी करेंगे तो अब वो टाइम गया। ठीक है, टाइम ये है कि अब तैयारी करना स्टार्ट कर दो, 4 महीने मिल गए। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा कि 4 महीने मिल गए तैयारी के लिए, तो इन 4 महीनों को यूटिलाइज करो, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ और उसके तहत जो है तैयारी शुरू करो, और बिल्कुल आप लोग जरूर कामयाब होगे अपने टास्क में, मुझे बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद है। और बाकी मेरा सपोर्ट पूरा रहेगा, कोई डाउट हो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चल ही रहा है अभी क्लासेस जो है इसका, एक क्लास तो लेक्चर जो है एक अपलोड हो गया है। ठीक है, बाकी मैं एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ किस तरीके से जो है वीडियोस देनी है, लाइक जो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशंस, ये जो इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का टॉपिक आप देख रहे हैं ना, यही टॉपिक कम से कम पूरा 1 मंथ का टॉपिक है अगर आप अच्छे से पर डे 2-3 घंटे लेकर चलते हैं तो। ऐसी कस्टमर रिलेशन का टॉपिक है जो 10-15 दिन 3-4 घंटे डेली पढ़ेंगे तो जाके कवर होगा। तो सिलेबस वास्ट है और तैयारी बहुत अच्छी कर दी है ताकि सिलेक्शन लेना है। ठीक है, खाली मजाक के तौर पे तैयारी नहीं करनी कि हाँ यार 10 एग्जाम भरे हैं तो एक एग्जाम ने भी भर दिया, नहीं, इसको आप कितना सीरियसली ले रहे हैं उस तरीके से आपको लेकर चलना है इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, दोनों के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD दोनों को एक बार शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मैं। इसको आप लोग जो है मूड ऑफ होने का कारण ना बनाएं, इसको एक मूड अच्छा होने का कारण बनाएं कि एक अच्छी चीज मिली है, एक पॉजिटिव चीज मिली है, तैयारी करने के लिए टाइम मिला है। ठीक है, इसको ऐसे पॉजिटिव वे में लेकर चलें और चेहरे पर एक स्माइल के साथ आप लोगों से अलविदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तैयारियां करेंगे। कोई डाउट होगा प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।